गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू क्लास 5 EVS लेसन 18 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर. नो द लेसन नेम इज़ नो प्लेस फॉर अस. ये लेसन जो है माइग्रेंट जो होते हैं, जो शहर की तरफ जाते हैं गांवों को छोड़ करके, उनके बारे में बताया गया है, उनको क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डू टारगेट लर्निंग आउटकम्स. इस लेसन के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलेगा विलेज लाइफ के बारे में, सिटी लाइफ के बारे में, डिफ़िकल्टीज ड्यू टू फ्ली फ्रॉम विलेज टू सिटी. जब विलेज से सिटी में रहने के लिए जाया जाता है सब कुछ छोड़ करके, तो क्या डिफ़िकल्टीज आती है उनके बारे में पता लगेगा. डिफ़िकल्टीज ड्यू टू लॉस ऑफ अर्निंग. जब हम अपनी आजीविका खो दे देते हैं, यानी धनोपार्जन का साधन खो दे देते हैं और दूसरे शहर में जाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं, तब क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं इसके बारे में हम जानेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, चूज द करेक्ट वन. विच जॉब जटरिया भाई स्टार्टेड डूइंग इन मुंबई, दैट इज़ रिपेयर फ्रॉम फिशिंग नेट्स. जटरिया भाई यूज टू मनी ही अर्न टू ऑल द अबव. वो मेडिसिन के लिए भी पे करता था, रेंट के लिए भी, फूड के लिए भी, वाटर के लिए भी. वट डिड चिल्ड्रन लर्न जटरा भाई विलेज. जटरा भाई के गांव में बच्चे क्या सीखते थे? इसमें भी वो डांस भी सीखते थे, फ्लूट बजाना भी सीखते थे, वो क्ले से और बैम्बू से पोट्स बनाना भी सीखते थे. तो क्या आ जाएगा? ऑल द अबव. यंग मैन ऑफ विलेज वुड ब्रिंग फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड सेल देम इन टाउन्स. जो गांव के यंग पीपल हैं वो क्या करते थे? फॉरेस्ट से चीज़ें लेते थे और उन्हें शहर में बेचते थे. कौन सी थी? फ्रूट्स, रूट्स, प्लांट्स, मेडिसन्स और फिशेस. नेक्स्ट इज, पीपल ऑफ द खेड़ी विलेज हैड टू लीव देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ. खेड़ी के लोगों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक डैम बन रहा था. तो क्या आ जाएगा? अपकमिंग डैम. वेयर डिड जटरिया भाई फोर फादर्स लीव. जटरिया भाई के फोर फादर कहाँ रहते थे? दैट इज़ खेड़ी विलेज. ट्रू और फॉल्स? जटरा भाई हैड टू इवन बाय वाटर इन मुंबई, दैट इज़ ट्रू. जटरा भाई को मुंबई में वाटर खरीदना पड़ता था. सिद्धिया गोज टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द कबाड़ी वाला. सिद्धिया जो है रेलवे स्टेशन खाली बोतलों को, न्यूज़पेपर को इकट्ठा करने के लिए जाता था ताकि वो कबाड़ी वाले को बेच सके, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. जटरिया वॉज बोर्न इन खेड़ी विलेज. जटरिया खेड़ी विलेज में पैदा हुआ, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. इन जटरियाज विलेज पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम टाउन्स अक्रॉस द विलेज एंड सेल इन द विलेज. वो गांव से चीज़ें नहीं, गांव में चीज़ें नहीं बेचते थे, बल्कि गांव से चीज़ें इकट्ठी करके शहर में बेचते थे. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. इन सिंदूरी विलेज देयर वॉज ए हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स एंड देयर वर नो मेडिसन्स. सिंदूरी विलेज में कोई हॉस्पिटल नहीं था और वहाँ डॉक्टर्स का मिलना मुश्किल था, वहाँ पर कोई मेडिसिंस भी नहीं थी, दैट इज़ आल्सो ट्रू. फिल इन द ब्लैंक्स. हमें जो है ये दिए हुए हैं, कॉज रिलेटिव स्कूल फिश फैक्ट्री विलेज. जटरिया भाई न्यू ओनली द फैमिली ऑफ ए डिस्टेंट रिलेटिव इन मुंबई. क्या आ जाएगा? रिलेटिव्स. यंग सिद्धिया वर्कड इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी. फिश फैक्ट्री. इन विलेज एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वर्ल्स. विलेज में बड़े लोग ही जो है झगड़ों का और शादी का निपटारा करते थे. तो क्या आ जाएगा? क्वर्ल्स. द न्यू विलेज एवरीथिंग देयर ए स्कूल इलेक्ट्रिसिटी हॉस्पिटल बसेस ट्रेन्स एट्सेट्रा, दैट इज ऑल्सो ट्रू. इसमें क्या आ जाएगा? विलेज. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जटरिया's only dream was to send his children to school. जटरिया का ड्रीम क्या था? उसके बच्चों को स्कूल भेजना, टू गिव देम ए बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ. तो इसमें क्या आ जाएगा? स्कूल. उसके बाद नेक्स्ट है मैच द कॉलम. कॉलम मैच करना है. इन टाउन्स देयर आर टैप्स बट नॉट इनफ वाटर. टैप्स तो थी लेकिन उनमें पानी नहीं था. देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज इन विलेज. विलेज में बहुत सारे पेड़ थे एंड द एयर इज़ फ्रेश एंड क्लीन. और एयर क्या थी? फ्रेश थी और क्लीन थी. रूफ्स मेड ऑफ टिन द हाउस हॉट इन समर. और छत की में बनी हुई जो घर में बनी हुई जो छतें थी वो क्या थी? Okay.
कोट इन समर, समर में क्या थी वो, कोट होती थी। हाउसेज इन विलेजेस हैव मोर स्पेस देन हाउसेज इन टाउन, गांव के जो हाउसेज थे वहाँ पे ज़्यादा स्पेस था जबकि टाउन के हाउसेज में ज़्यादा स्पेस नहीं था। पीस ऑफ लैंड जटरिया गोट इन सिंदूरी विलेज वाज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, सिंदूरी विलेज में जो लैंड थी जटरिया के पास वो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ इज़ द लाइफ ऑफ विलेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिटीज़, गांव की लाइफ जो है शहर की लाइफ से किस तरह से डिफरेंट थी। विलेज हैव सिंगल स्टोरी हाउसेज, विलेज में सिंगल स्टोरी हाउस थे, सिटीज़ में मल्टी स्टोरी थे। हाउसेज में बहुत ज़्यादा स्पेस था जबकि हाउसेज में कोई स्पेस नहीं था। विलेजेस में क्या थी, नैरो रोड्स थी, कच्ची रोड थी। सिटीज़ में जो रोड्स थी वो मल्टी लेन रोड्स थी और चौड़ी थी। विलेजेस में जो है अच्छे हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, सिटीज़ में अच्छे हॉस्पिटल थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी। विलेज में स्कूल जो थे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी लेकिन सिटी के और के स्कूल और कॉलेज बहुत अच्छे थे। पीपल इन विलेज आर मोस्टली हैप्पी एंड सेटिस्फाई विद लाइफ, जो गाँव के लोग थे वो खुश थे और सेटिस्फाई थे जबकि शहर के लोग कम खुश थे और वो सेटिस्फाई नहीं थे। हाउ डज बिल्डिंग्स ऑफ डैम अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया, उस एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ जो है किस तरह से अफेक्ट हुई। बिल्डिंग ऑफ डैम्स अफेक्ट द पीपल ऑफ लाइफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट इज, लोगों को एक स्थान छोड़ के अपनी जहाँ वो जनरेशन से रह रहे थे काफ़ी जनरेशन से उसे छोड़ के जाना पड़ा। दे हैव टू लीव देयर हाउस, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, फार्म छोड़ने पड़े, अपनी आजीविका छोड़नी पड़ी। उन्हें जो है एक नई चैलेंजिंग जिंदगी जीने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा। बच्चों को भी नए स्कूल में नए पड़ोसियों के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगा और नए सोशल सेटअप में उनको एडजस्ट होने में टाइम लगा। व्हाई डिड जटरिया भाई कलेक्ट रबड़ पीसेस ऑफ ओल्ड टायर, जटरिया भाई पुराने टायर के रबड़ पीसेस क्यों इकट्ठा करता था, ताकि उनको जला सके, उससे उसका स्टोव जल जाए। इससे क्या होता था, आग जल्दी जलती थी और लकड़ी की बचत हो जाती थी। हाउ डिड जटरिया सफ़र इन सिंदूरी, सिंदूरी में जटरिया ने क्या क्या मुश्किलें सहन की। फर्स्ट इज़ ही हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, उसे हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते थे, चाहे वो मेडिसिन थी, फूड, वेजिटेबल, फायरवुड, कैरोसिन, फोडर, कुछ भी था उसके लिए उसे पैसे देने पड़े। रूफ ऑफ टिन शीट्स, टिन शीट मेड हिज हाउस हॉट लाइक एन ओवन, उसके जो घर की छत थी वो किस तरह से बन गई, बिल्कुल एक गर्म ओवन की तरह बन जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी, कई बार टैप्स में पानी नहीं आता था, लैंड अच्छी नहीं थी, वहाँ के खेती नहीं की जा सकती थी। हॉस्पिटल तो था लेकिन हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर पानी डॉक्टर का मिलना बहुत मुश्किल था। पीपल मेड फन ऑफ खेड़ी विलेज के लोगों का, लोग मजाक उड़ाते थे और उन्हें अनवांटेड गेस्ट कहते थे। डिफरेंसेस जो है खेड़ी विलेज में और मुंबई में जो थी वो हमें लिखनी है। खेड़ी की विलेज लाइफ जो थी वो अच्छी थी, मुंबई की विलेज लाइफ अच्छी नहीं थी। वहाँ पे रहने के सारे साधन थे जबकि उन्हें एक कमरे में ही रहना पड़ता था मुंबई में। खेड़ी विलेज में लोग इकट्ठे एक परिवार की तरह रहते थे लेकिन मुंबई में जटरिया अकेला पड़ गया। जटरिया जो है खेतों में जी भर के काम करता था, बहुत मेहनत करता था और वो फिशेस को भी पकड़ता था, लेकिन मुंबई में वो है जो फिश के नेट थे उन्हें रिपेयर करके अपनी आजीविका कमाता था। खेड़ी विलेज के बच्चे जो है बहुत खुश रहते थे, डांस सीखते थे, बांसुरी बजाते थे, पोट्स बनाते थे और वो बर्ड्स की आवाज़ को सुनते थे, उन्हें इमिटेट नकल करते थे, जबकि मुंबई में जटरिया के बच्चे स्कूल में एजुकेशन लेने जाते थे, वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। व्हाई डिड जटरिया एंड हिज फैमिली लिव सिंदूरी एंड माइग्रेट टू मुंबई, जटरिया और उसकी फैमिली सिंदूरी को छोड़ के मुंबई क्यों चले गए। जटरिया और उसकी फैमिली ने सिंदूरी को छोड़ दिया और मुंबई चले गए क्योंकि वो इस नए गाँव में एडजस्ट नहीं हो पाए और उन्हें लगा कि अच्छी लाइफ के लिए वो मुंबई चले जाएं। उसके बाद बच्चों हमारी वैल्यूएशन आती है, फिल इन द ब्लैंक्स। जटरिया फैमिली गेम टू मुंबई फ्रॉम डैश विलेज सिंदूरी विलेज। जटरिया वाज बोर्न इन खेड़ी विलेज। मैनी पीपल इन जटरियाज विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर विलेज
फ्रॉम देयर लैंड एंड विलेज. इन खेड़ी पीपल न्यू टू ट्रीट द पेशेंट विथ मेडिसन मेड फ्रॉम प्लांट्स. द स्मोक एंड द स्मेल ऑफ बर्निंग टायर वर वेरी बैड पोल्यूटेड. एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़ पेपर्स वर सोल्ड टू द कबाड़ी वाला. आंसर द फॉलोइंग. राइट द नेम ऑफ द एनी फाइव डैम्स इन अवर कंट्री. अपने कंट्री के कोई भी फाइव डैम जो है, कौशल्या डैम आपके पिंजौर में ही है, ये लिख सकते हो, नर्मदा डैम लिख सकते हो. इस तरह से पाँच डैम आपने लिखने हैं बच्चों. होप आपको ये लेसन जो है समझ आ गया होगा. इसी तरह के इजी लैंग्वेज में और लेसन देखने के लिए आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं श्रीजा एजुकेटर्स को. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.